ಲಕ್ಷ ಯಾರು नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। मैं राशिद अली, हम फिर हाजिर हैं आपके सामने कर्नाटक की पल पल की रिपोर्ट लेकर, जहां पर आपको बता दें कि आखिर वहां पर अभी तक कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है। जी हां, वहां की खबरों से हम आपको अपडेट कराने फिर हाजिर हैं। तो सबसे पहले खबर आ रही है कि 3 बजे तक वहां पर 56% वोट डल चुकी है। जी हाँ, कर्नाटक की ये खबर है। और वहीं बात करें तो कहीं ना कहीं सिद्धारमैया ने अमित शाह पर भी वार किया है। आपको बता दें कि इस बीच जहां वोटिंग जारी है, इस दौरान नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं, नेताओं के बोल भी सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि जैसे कि पहले येदुरप्पा ने वोट डाला था, तो उन्होंने इस दौरान अपने घोषणा की भी ऐलान कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं इस दिन CM बनने जा रहा हूं, जो कि आपको बता दें, जिसके बाद जब सिद्धारमैया से इस बयान को लेकर पूछा गया कि ऐसा, BS येदुरप्पा ने जवाब दिया है कि वो 17 मई को CM बनने वाले हैं, ऐसा उन्होंने बोला है। जिसके जवाब में सिद्धारमैया ने ये कहा कि उनका मानसिक संतुलन शायद गड़बड़ा गया है। आपको ले के चलता हूं सीधा खबर पे। आखिर खबर में क्या है, कर्नाटक की 222 सीटों पर मतदान जारी है। शाम 3 बजे तक 56% वोटिंग दर्ज की गई है। जी हाँ, 56% वोटिंग दर्ज की गई है, तो कहीं ना कहीं ये प्रतिशत अच्छा है और ऊपर तक जा सकता है। इस बीच बेंगलुरु और बदामी सीट पर बूथ के बाहरी BJP और कांग्रेस समर्थकों के बीच झड़प की भी खबर है। यहाँ अतिरिक्त पुलिस बलों की भी तैनाती की गई है। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं, मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चला है और शाम 6 बजे तक ये चलने वाला है, लगभग 11 घंटे चलने वाला है। और तमाम 222 सीटों के लिए ही ये मतदान आज होना है और 15 मई को रिजल्ट सामने आ जाएगा कि आखिर कौन कौन से कैंडिडेट कहां कहां से जीते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं आपको इससे पहले जाहिर है कि आप वहां की राजनीति से वाकिफ करा दूं कि क्या वहां पे कौन सी पार्टी जीतेगी। आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से वहां पर PM मोदी ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां की, जिससे ये लगने लगा कि शायद PM मोदी का जादू चलेगा और वहां पर मोदी लहर बरकरार है। PM मोदी ने ऐसे तमाम आरोप साधे, तमाम हमले किए, जिसमें CM सिद्धारमैया को 10% कमीशन वाली सरकार बताया, उन्होंने सिद्धारमैया को सीधा रुपया वाली सरकार बनाया। उन्होंने यहां तक कहा कि 15 मई के बाद कर्नाटक से सिद्धारमैया सरकार बाहर हो जाएगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राहुल गांधी ने भी कैसे कैसे हमले किए। राहुल गांधी ने मोदी को तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने घेरा, उन्हें दिखाया कि आखिर बेरोजगारी क्या है, महंगाई कितनी है, काला धन कहाँ है, देश को कितना चूना लगाया जा रहा है, देश के जो बड़े बड़े कुछ लोग हैं वो कैसे एक चंपत लगाकर यहाँ से चपत हो जाते हैं और देश को नुकसान पहुंचाते हैं। तो वहीं अर्थव्यवस्था को लेकर उन्होंने बात की। लेकिन जो देश में आजकल छाया हुआ मुद्दा है, जो कि सबसे सर्वोपरि चल रहा है, आजकल देश का माहौल किस तरह बिगाड़ा जा रहा है, तो उसको लेकर भी राहुल गांधी ने BJP सरकार और PM मोदी पर निशाने साधे। क्या आप जानते हैं, अगर आप नहीं जानते तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आज मैं शुरुआत मोदी जी के एक कोट से करना चाहता हूं। मोदी जी ने एक किताब लिखी थी, कर्मयोगी बाय नरेंद्र मोदी, और उनकी स्पीचेस जो उन्होंने गुजरात के ब्यूरोक्रेट्स को दी थी, उन भाषणों में से मैंने कोट निकाला है। मैं आज आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि यहां संविधान की बात हो रही है, अंबेडकर जी की बात हो रही है, और इस कोट से हमारे प्रधानमंत्री जी की विचारधारा, उनकी थिंकिंग, उनकी सोच बहुत सफाई से दिखाई देती है। पहले मैं इसको अंग्रेजी में पढ़ूंगा, फिर हिंदी में बोलूंगा। What is the spirituality of a person working on cleaning toilets? Has anyone experienced spirituality of a man of Valmiki Samaj who has to remove human excretion and dirt every day? I do not believe that he accepted the task merely to fill his belly. He would not have stayed for so long in that profession, and certainly not from generation to generation. Probably sometime
for happiness of God and society, he would have thought it his responsibility to keep the environment clean, and he accepted the work and continues to do the work for generations out of his spirituality. It is not that his ancestors were unable to shift or do any other work. अब मैं हिंदी में बताता हूं. जो टॉयलेट्स को साफ करता है, जो गंद उठाता है, उसकी क्या स्पिरिचुअलिटी होती है? किसी ने स्पिरिचुअल वो स्पिरिचुअलिटी महसूस की है जो वाल्मीकि समाज का एक व्यक्ति टॉयलेट साफ करते हुए महसूस करता है? नहीं, सुनिए सुनिए, वो काम जो वाल्मीकि समाज का व्यक्ति करता है, वो अपने पेट को भरने के लिए नहीं करता है. वो इस काम को सालों भर नहीं करता अगर वो सिर्फ ये काम अपने पेट को भरने के लिए करता. कहीं ना कहीं वो ये काम करना छोड़ देता, मगर वो ये काम इसलिए करता है क्योंकि वो अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए काम करता है. उसके जो माता पिता थे वो आसानी से इस काम को छोड़ सकते थे, मगर उन्होंने ये काम नहीं छोड़ा क्योंकि उनको इस काम से स्पिरिचुअलिटी मिलती है. ये हमारे प्रधानमंत्री की सोच है कि वाल्मीकि समाज का जो व्यक्ति टॉयलेट को साफ करता है, वो पेट भरने के लिए नहीं करता है, स्पिरिचुअलिटी के लिए करता है. ये हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है, उनका कोट है, मेरा नहीं. अब देख, नहीं ऐसे मत बोलिए, क्योंकि हम देखिए, हम कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, हम किसी के बारे में मुर्दाबाद नहीं कहते, मगर जो उनकी विचारधारा है, नहीं भैया ऐसे मत बोलिए, जो उनकी विचारधारा है नरेंद्र मोदी की, हिंदुस्तान के हर दलित को, हर गरीब को, हर व्यक्ति को समझनी है. नरेंद्र मोदी जी सोचते हैं कि जो टॉयलेट को साफ करता है, जो गंद उठाता है, वो ये काम अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए करता है, पेट भरने के लिए नहीं करता है. ये हमारी प्रधानमंत्री की सोच है. मेरे पास एक व्यक्ति आए कुछ दिन पहले, मुझे कहते हैं मोदी जी से मेरी बात हुई और उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा, मैं उनको जवाब नहीं दे पाया. सवाल क्या था? मोदी जी ने इस व्यक्ति से पूछा, देखिए मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, हिंदुस्तान के दलित मुझसे गुस्सा क्यों है? जहां भी मैं जाता हूं, मैं अंबेडकर जी की मूर्ति पर माला लगाता हूं, हिंदुस्तान के दलित मुझसे गुस्सा क्यों है? मोदी जी, हिंदुस्तान के दलित आपसे गुस्सा इसलिए हैं क्योंकि यह आपकी विचारधारा है. आप जितनी बार भी अंबेडकर जी के सामने फूल लगाओ, जितनी बार भी इनके मूर्ति पे माला लगाओ, इस विचारधारा के साथ उनकी आप इज्जत कभी नहीं कर सकते हो. और हर दलित, हिंदुस्तान का हर दलित इस बात को समझता है, जब वो नरेंद्र मोदी जी की ओर देखता है, वो समझता है कि इस व्यक्ति में
इस व्यक्ति के दिल में हिंदुस्तान के दलितों के लिए, हिंदुस्तान के कमजोर लोगों के लिए, हिंदुस्तान के महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है। तो देखा आपने कि किस तरह से राहुल गांधी भी पीछे नहीं है, राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी पर जमकर वार किया। आप देखना यह है कि आखिर किसका जादू कर्नाटक में चलेगा और किसकी पार्टी कर्नाटक में जीत का परचम लहराएगी, वो पता चलेगा 15 मई को जब आधिकारिक तौर पर पुष्टि होगी। तो दीजिए इजाजत, नमस्कार।